कैसे हो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल के ऊपर। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट्स कर दीजिए, तो आने वाले दिनों में और भी आपके लिए नए नए वीडियोज लेके आएंगे हम। यहाँ पर जो भी एनालिसिस आप देख रहे हो, वही एनालिसिस अगर आपको सीखना भी है तो डिस्क्रिप्शन में एक डेमो वीडियो का लिंक अवेलेबल है। वो वीडियो देख के भी आप काफ़ी सारा नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। तो जिनको देखना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में है, आप ज़रूर देख सकते हो। यहाँ पर आपको दोस्तों ज्वाइन बटन भी दिख रहा है। अगर आपको रेडीमेड कॉल्स चाहिए मंथ में एक या दो कॉल्स, तो आप ज्वाइन बटन भी क्लिक कर सकते हो। सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। भेल आपको काफ़ी टाइम पहले मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था, और आज का चार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहा हूँ तो 59 के आसपास के लेवल्स बहुत ही बढ़िया थे। 59 के आसपास के लेवल्स बहुत ही बढ़िया थे और वहाँ से ही स्टॉक्स ने इंट्राडे में थोड़ा बाउंस हमें देखने को मिला हुआ है। अब हायर टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूँ तो मंथली के ऊपर चार्ट के स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, कोई भी खराबी हमें देखने को नहीं मिल रही है। वीकली टाइम फ्रेम का भी चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे चार्ट का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लग रहा है, और क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से थोड़ी खराबी हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। हमें करना क्या है भेल के ऊपर यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट का स्ट्रक्चर में देखता हूँ तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि जो बहुत ही अग्रेसिव कैटेगरी के लोग हैं, उनको ही अगर यहाँ पर बाइंग करना हो तो आप ज़रूर बाइंग कर सकते हो। अगर नेक्स्ट आने वाले दिनों में 59 रुपीज़ के आसपास, 59 रुपीज़ से लेकर 57 रुपीज़ के बीच में किसी को भी काम करना हो, 59 रुपीज़ से लेकर 56 रुपीज़ के बीच में किसी को भी काम करना हो तो आप ज़रूर काम कर सकते हो। और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 56 रुपीज़ एंड 80 पैसा। ठीक है, अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आपको इमीडिएटली भेल के अंदर से अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो ये स्टॉक के अंदर और भी लोअर लेवल हमें देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। और मैं आपको यहाँ पर ये भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि रियल स्ट्रेंथ हमें कब दिखाई देगी इस स्टॉक के ऊपर, जब तक ये स्टॉक 65 के ऊपर का सस्टेनेबल क्लोजिंग नहीं देता है तब तक ये स्टॉक के अंदर रियल स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिलेगी। और इस लेवल के ऊपर भी रिवर्सल के साइन हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही जो मैंने रेंज बताई है वो बहुत ही अग्रेसिव कैटेगरी के लोग हो वही इसके अंदर काम कीजिएगा। आप कंजर्वेटिव कैटेगरी के लोग हैं तो आप ये रेंज में भी आपको बाय नहीं करना है, आपको जस्ट वेट एंड वॉच करना है। तो जो अग्रेसिव कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास खुद का नॉलेज भी है, उन लोगों को यहाँ पर काम करना है तो ज़रूर काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर यही एनालिसिस आपको भी सीखना हो तो मेरे पास ज़रूर आ सकते हो, आपको जीरो लेवल से सिखाऊंगा। वी नेवर यूज़ एनी इंडिकेटर, हम अपनी आँखों और दिमाग को ट्रेन करते हैं। आपको भी अगर अपनी आंखों और दिमाग को ट्रेन करना है तो ज़रूर आइए। योर आई इज़ द बेस्ट इंडिकेटर इफ़ यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आपको चार्ट्स के ऊपर क्या देखना है मैं आपको सिखाऊंगा विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर गाइस। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर भेजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।